हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू लग चुकी है मेरी और पोछा लगा रही हूँ। और सुबह के अभी बज रहे हैं 6, तो बस जल्दी से सुबह उठकर यही काम रहते हैं हम औरतों के कि सुबह जल्दी उठो फिर झाड़ू पोछा करो। और आज तो संडे है ना, तो फिर भी लेट हो गए। संडे है तो आराम आराम से सारे काम हो जाते हैं। और अभी आज हमें धुलना है बहुत सारे कपड़े, क्योंकि वो भी ऑफिस मतलब ड्यूटी गए थे तो वो वापस आ चुके हैं। कल रात में आए थे 8 बजे। तो बस यहाँ पर मेरा लग रहा है पोछा, जल्दी जल्दी मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। फिर इसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए और फिर करूँगी मैं पूजा। और इधर मेरा पोछा लग चुका है, बस थोड़ा जीना वगैरह पे और लगाना है। और देखो कितने सारे कपड़े रखे हैं सोफे पे, तो इन सारे कपड़ों को मेरे को धुलना है और अभी इकट्ठा भी करना है बहुत सारे कपड़े, अभी स्कूल की ड्रेस वगैरह सब कुछ। ऊपर से लगाते लगाते पहुंचा मैं नीचे, जीना तक भी जाऊंगी फिर, क्योंकि नीचे पापा हैं तो मैं यहीं पर पोछा रख दूंगी। फिर वो भारती पोछा लगाएगी तो वो जीने आधे जीने पे लगा देंगी। तो बस अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए पोछा लगाने के बाद। और इधर मैं पोछा लगाकर आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ नहाने। और नहाकर भी मैंने नहा लिया है और इधर मैं आ गई हूँ किचन में पूजा करने के लिए। आप लोग सोच रहे हो किचन में पूजा, हाँ मैं किचन में ही पूजा करती हूँ फिलहाल। अभी मैंने मंदिर यहीं पर रख लिया है, तो इधर मैं बना रही हूँ बाती और घी भी गर्म हो चुका है। तो पूजा करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। इधर मेरी पूजा हो चुकी है, अभी देखो इतने सारे कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ कौन से धुलना है कौन से नहीं, क्योंकि बैग में भी बहुत कपड़े थे 2-3 दिन के इकट्ठे। तो सब और चिबू की ड्रेस वगैरह सॉक्स कुछ धो लेती हूँ, शूज वगैरह, क्योंकि आज संडे है पर मौसम अच्छा नहीं है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। देखते हैं जाती हूँ, वैसे वॉशिंग मशीन में तो हल सूख जाते हैं कपड़े, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कमरे में भी डाल दूँगी ना, तब भी सूख जाएंगे पंखे की आवाज़ से। तो बस इधर मैंने कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं, अब मैं जा रही हूँ नीचे कपड़े मशीन में डालने के लिए।
और इनकी पैंट की जेब वगैरह भी चेक कर लेती हूँ, कोई कागज़ वगैरह तो नहीं है शायद धुल जाए, इम्पोर्टेंट कागज़, क्योंकि एक बार मुझसे पैसे धुल चुके हैं इसलिए। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे, मैं डाल देती हूँ कपड़ों को सब इकट्ठे। भारती भी पोछा लगा रही हूँ, और इधर मैं छील रही हूँ आलू, और आज बनी है कढ़ी। मम्मी ने कढ़ी रख दी बनने के लिए सुबह ही, क्योंकि कढ़ी बनने में बहुत टाइम लगता है। तो इधर मैं आलू छील कर इसमें डाल देती हूँ, देखो ये पक चुकी है मेरी कढ़ी, पूरी फुल भरी थी, आधी हो गई पकते पकते। अब इधर मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, पहले मैं ये सूखे सूखे कपड़े उठा लेती हूँ, फिर इसके बाद डालूंगी मैं गीले कपड़े, जिससे कि सूख जाएंगे। और मौसम बहुत बारिश जैसा है, काले बादल छाए हुए हैं, तो मैं जल्दी से डाल देती हूँ कपड़े, फिर जाऊंगी नीचे खाना बनाने के लिए, क्योंकि कढ़ी बन चुकी है और चावल वगैरह बनेंगे। इधर मेरे कपड़े भी डल चुके हैं, बस अब चलते हैं नीचे। और इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर के बज रहे हैं 2। और इधर करना है फ्रेश कपड़ों पे, पूरे कपड़े सूख गए हैं, इनको प्रेस करना। और इधर जीबू पड़ रही है, कीड़ा खेल रही है, सब कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं।
इधर ही कर रहे हैं ऑफिस का काम, कुछ रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं। तो देखिए आज का मौसम कैसा हो रहा है, एंड बारिश जैसा, पर सुबह से कोई बारिश नहीं हुई। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गेट क्यों खोल लेती हो? ऐसे घूम रहा है मुझे ढूंढते हुए। हेलो तो गाइस, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी देखते हैं कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। बाय।